सो है गाइज, वेलकम बैक टू ऑन द वीडियो। आज की वीडियो पर जो रिएक्शन है वो कर्मा और रफ्तार का है। सो जैसे कि यह कोलैब आई है कर्मा और रफ्तार की, तो मुझे जो है ये इस गाने का जो है अभी ही पता लगा है कि भाई ये जो है नया गाना आया है और इसमें जो है हनी पाजी के लिए शॉर्ट आउट दिया है रफ्तार ने। सो देखते हैं इस गाने के अंदर क्या कुछ सुनने को मिलेगा। जैसे कि इस गाने का नाम है करता क्या है, सो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि गाने में क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि अभी हम रिएक्शन देकर आ रही हूँ मैं ग्लोरी के एल्बम के एक ट्रैक पे, सो हाई ऑन मी पे। सो बहुत ज्यादा ये भी है कि हाँ हनी पाजी के लिए क्या कुछ बोला गया है यहाँ पर रफ्तार ने, या उड़ता तीर लिया है रफ्तार ने। सो गाने को चेकआउट करते हैं, देखते हैं गाने के अंदर क्या कुछ है, उसके बाद हम इस गाने के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखा देखा ऐसा लग रहा है, फील आ रही है कि भाई वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। कर्मा पिज़्ज़ा खाते हो, ये भी अलग तरीके से शूट किया हुआ अपने मस्त पे। भाई रफ्तार है क्या बात ना का ये सोचते क्या सोच के लिखता है, लड़का बहुत सही लिखता है, शब्द खोज से नहीं लिखता, शब्द खोज के लिखता है। पेपर नोट्स में जो कोट्स लिखे नोट्स में बिकते हैं, जिसने मिलके दिल तोड़ा था उसको मिलने को तड़पाए लड़का। रोलिंग पेपर ये तो रोज की चर्चा है, कितनी पीटे चौधरी पूछ कहती टाइमिंग बहुत तगड़ा है लड़का, राइमिंग बहुत करता है और अब परियों में चर्चा है, वो सब चाहती है घर आए, इन्हीं मायने मुख करता है लड़का, सब पर इनकी तरह करता स्टॉक नहीं है। चौथी में नॉलेज नहीं हिप हॉप की, वेल आई कैन बी कॉर्नी बट नेवर कैन बी ऑफ बीट, सो फक यू इन योर टॉप 3 को सरपास करता। ये पूछे करता क्या है, ये पूछे आखिर करता क्या है लड़का, ये सोचते कि करता क्या है। भाई मुझे लग रहा आप बताएंगे क्या करता है। या मैं बताता वो करता क्या है, गोस्ट राइटिंग थोड़ी है, डरता क्या है लड़का, राजा बार बार घर से जाके बताता और घर की जाए, बच्चों के साथ 8 बार सर चढ़ता नहीं, कर्मा गांव पर साम्राज्य बढ़ता जाए, चलता खर्चा नहीं गांव बसता नहीं, ये मांगे रिप्लाई बीक में बढ़ता नहीं, उठ के साथ साथ बात चले दर पे है, किया जो बार साइड बाय फर चढ़ना पाए, कर्मा बार है बार बार करता जाए, दिस इज नेक्स्ट लेवल शिट, गर्दन राइट स्मूथ साथ में डबल आर सुसाइड डोर स्टूडियो के तू नजर मार, जब करे रैप कर्मा सुन के इनकी फटे चार, जब करे रारे रा गाने चार्ट्स पे रखता है, ये पूछे करता क्या है, ये पूछे आखिर करता क्या है लड़का, ये सोचते कि करता क्या है, सोचे आखिर यो राइम्स काफी अच्छी है कर्मा की। इनकी माँ को जब देंगे इनको नहीं, बकरी बनने बैठे छपरी इनको देंगे विम को नहीं, फीचर ट्रैक फीचर जैसे ऐसे लिखा पोर्शे में, ये खोजे होरोस्कोप और सोचे आज मेरा दिन तो नहीं, भाई तेरा उल ज्यादा बुद्धि में मुद्दा था बुद्धि की शुद्धि, तो छुट्टी पे किस्ती क्यों कुश्ती है, रिश्तों की पुष्टि में मुफ्ती न मिलता मैं शब्दों की कुश्ती में, जिंदगी बीती है पार कलिंदी की कूदा मैं सिंधु, मेरे बदे का पिंडी में रुस्तम है हिंदू में चुस्तु में हिंदी में माथा ना बिंदी तू आता ना गिंदी में, स्मूथ कर्मा घूमा गोल डर की बंदा, जस्टिस मांगे जनता कर दे ट्रोल, गानों में ये गुंडा घर पे डर का है माहौल, 32 कर दूं बाहर मुंह का भर दूं ग्लोरी होल, अब सोचो करता क्या है इसका चर्चा क्या है, बोले पर को इसका खर्चा इसको पर्चा जाए, बन के मूरख समझा सबका सूरज चढ़ता कहाँ है, टॉप 3 सारे मेरे मेरा दर्जा क्या है, सरना खाए करता क्या है, ये पूछे आखिर करता क्या है, ये दर्जा क्या है, करता क्या है, ये तो मुझे बंटाई से कुछ रिलेटेड लग रहा है, मे भी हो सकता है, ये क्या ही लिया है। तो पहले बात करते हैं जो 1 2 3 से स्टार्टिंग करी थी, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि जिसके हाथ में ट्रॉफी थी वो ऐसा लग रहा था कि जो मुझे फील हो रहा है वो इस चीज तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर रफ्तार ने वो एक बात बोली थी कि 1 2 3 जो है वो मैं ही हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि बंटाई जब लेकर आए थे कि मैं पहले नंबर पर हूँ, बंटाई ने ये बात बोली थी अपने ट्रैक्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी को लेकर उसी से रिलेटेड तो कुछ था नहीं, ये ऐसा हो भी सकता है, ये मेरा थॉट है
ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा थॉट ये क्लियर वही हो जो रफ्तार बोलना चाह रहे हो। शब्द कोश से नहीं, शब्द खोज के लिखता हूँ। यहाँ पर कर्मा ने जिस तरह से राइम्स को बैठाया है, राइम्स लेकर आया है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से लेकर आए। और साथ ही साथ जब कर्मा का यहाँ पर फ्लो हुआ, जो राइम्स वो लेकर आया वो काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। सो वो चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी। और साथ ही साथ यहाँ पर कर्मा ने एक बात और बोली थी कि चौथी में हिप हॉप की नॉलेज नहीं है, और ये शॉर्ट आउट जो है किसको दिया ये मुझे नहीं पता। सो आपको पता हो तो ये मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कर्मा ने ये शॉर्ट आउट जो है किसके लिए बोला हुआ है। और अब बात करते हैं रफ्तार की। रफ्तार की जो राइम्स और फ्लो जो चल रहा था वो काफी सही चल रहा था, पर फिर पता नहीं रफ्तार को बीच में क्या हुआ और उन्हें किस तरह से इस गाने के अंदर एक तरह से बोल सकते हैं उड़ता हुआ तीर लिया, जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी भाई ये क्या चल रहा है। ये रफ्तार जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि गानों में तो वो गुंडा बनते हैं और घर में जो है वो डरकर रहते हैं। और ये एक पॉडकास्ट में हनी पाजी ने बात बोली थी कि मेरे पर जो हमला करने के लिए कॉल्स वगैरह आए थे, तो ये पॉडकास्ट जो मैंने देखा था तो उसी के बारे में ही यहाँ पर रफ्तार ने बातें बोली है हनी पाजी को। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोरी होल के बारे में बात करी, जो कि ग्लोरी उनकी एल्बम है और जो कि बहुत ही बवाल एल्बम है, हम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और उस एल्बम के बारे में जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट दिया है और साथ ही साथ एक तरह से यहाँ पर हनी पाजी को डिस भी किया है। तो ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो सीधा सीधा उड़ता तीर ही लिया गया है, और ये हनी पाजी क्या इस बात का, इस शॉर्ट आउट का जवाब दे पाएंगे, ये तो भाई जब हनी पाजी अपने गाने लेकर आएंगे या वो कुछ बात जब आएगी ना तब पता लगेगा जब हनी पाजी क्या इस बात का जो है रिप्लाई कर पाएंगे। बट जो भी था, ये जो एल्बम थी वो सुपर डुपर थी और सुपर डुपर हिट है अभी भी, और अभी भी आप इसके गाने सुन लो काफी ज्यादा मजा आने वाला। और जब तक आप भी बताइए कि आपको इस ग्लोरी एल्बम का कौन सा ट्रैक पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बट ये जो शॉर्ट आउट दिया है ना भाई, बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि नेक्स्ट हम पाजी से क्या ये इस चीज का रिप्लाई सुन पाएंगे। सो गाइस ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।